हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग के लिए ग्लास स्लाइड पे एक एक ब्लड ड्रॉप लेंगे, जो कि एक स्लाइड पे भी ले सकते हैं या अलग अलग स्लाइड पे भी ले सकते हैं। इसके बाद इन तीनों अलग अलग ब्लड ड्रॉप पे एक ग्लूटिनिन मिलाएंगे, जो कि एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी के फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए अलग ग्लास स्लाइड लेंगे, जिसके अलग अलग कॉर्नर से अलग अलग ड्रॉप को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करेंगे, जिसमें एक ग्लूटिनिन एक ग्लूटिनोजेन के साथ रिएक्शन होगी और क्लंपिंग होगी। अगर क्लंपिंग ए में होती है तो ब्लड ग्रुप ए होगी, अगर क्लंपिंग बी में होती है तो ब्लड ग्रुप बी होगी, और अगर क्लंपिंग डी में होती है तो वो पॉजिटिव शो करती है, अगर क्लंपिंग डी में नहीं होती है तो वो निगेटिव शो करती है। अगर क्लंपिंग ए में और डी में हुई है, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर क्लंपिंग बी में और डी में हुई है तो इसका मतलब बी पॉजिटिव है। अगर क्लंपिंग ए में, बी में और डी में हुई है तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगी। और आगे हम लोग चार्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस में क्लंपिंग हुई। अगर क्लंपिंग ए में हुई है और बी में नहीं हुई और डी में हुई है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है। इस ए में हुई, बी में नहीं हुई और डी में क्लंपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ए निगेटिव। अगर क्लंपिंग ए में नहीं हुई, बी में हुई है और डी में भी हुई तो इसका मतलब बी पॉजिटिव है। इसी प्रकार से पूरा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव आ गया है। थैंक यू।